हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। फिर से लेके आए भाई हम आपके लिए एक नई वीडियो ग्रैंड i10 नियोस की। तो ये भाई बेस मॉडल है नियोस का और इसमें आफ्टर मार्केट बहुत सारा काम हो रखा है, देख लो, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं भाई नियोस की। ये अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार है, हैचबैक है एक, और इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 83 PS की मैक्सिमम पावर निकाल देता है। 114 Nm का इसका टॉर्क आ जाता है। 260 लीटर का इसका बूट स्पेस आ जाता है। अंडर थाई सपोर्ट इस कार में अच्छा खासा मिल जाता है सीट्स का, वो मैं आपको अंदर बैठ के दिखा दूंगा। तो वो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको ऐसा कुछ लुक मिल जाता है कार का। ये बेस मॉडल है, बेस मॉडल देख रहे हो आप, बेस मॉडल देख लो। ये रहे इसके हैलोजन लैंप जो अच्छा खासा थ्रो दे देते हैं। नीचे भाई ने प्रोजेक्टर लगवा रखा है वाइट लाइट का, जिन भाई की गाड़ी है उनने अच्छा मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे देख लो आप, इस साइड लुक देख लो। और इसके आफ्टर मार्केट इसमें एलॉय डले हुए हैं। तो एलॉय का साइज़ आपको दिखाऊं, इसका 185/60 R15 इंच के टायर हैं। इसका जो इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पे मिल जाता है, फेंडर पे देख लो हीरा। और ORVM इसके बॉडी कलर मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट इसमें ये लगा हुआ है रेन वाइज़र, जो जिसमें बारिश में थोड़े थोड़े शीशे खोल सकते हैं। और इसके जो ये डोर हैंडल हैं क्रोम वाले हैं, ये क्रोम के। यहाँ पे नीचे आपको एक क्रोम की लाइनिंग दिख जाएगी बहुत अच्छी सी, जो बिल्कुल एंड तक जा रही है। और यहाँ पे इसका पेट्रोल टैंक है। बेस मॉडल है भाई ये, तो इसमें सारा काम आफ्टर मार्केट हुआ है। बूट स्पेस मैंने आपको दिखाई दिया, तो डिग्गी कर देते हैं इसकी बंद। ऐसा इसका पीछे का डोर मिल जाता है, जो यहाँ पे दरवाज़ा खोलने का लॉक अनलॉक है यहीं पे मिल जाता है। पावर विंडो सिर्फ आगे दो डोर में मिल जा, दो आगे के दोनों में मिलेंगी, ये आपको मैनुअली मिलेगा। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो, डोर बंद कर सकते हो, यहाँ पे बोतल आ जाएगी एक। और गाड़ी के अंदर चलें तो यहाँ पे गाड़ी बेस मॉडल है तो ज़्यादा कुछ कंपनी देती नहीं है फीचर वगैरह। और इधर देख लो तो यहाँ पे भी आपको डोर वगैरह सब सामने आपको एंड्रॉयड दिख जाएगा। एंड्रॉयड यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने का दिख जाएगा, यहाँ पे भी सामान। और नीचे लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। और अंडर थाई सपोर्ट इस कार में सबसे अच्छा है, स्विफ्ट वगैरह के ये कॉम्पिट करती है। स्विफ्ट होगी, बलेनो वगैरह हो गई, या टाटा की टियागो, ये सब हो गई इनसे। तो अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में। तो भाई आ गए हम गाड़ी के फ्रंट सीट पे। तो ऐसा इसका फ्रंट वाला डोर मिल जाता है, जो ट्रिपल टोन आप कह सकते हो। ये यहाँ पे थोड़ा ग्रेइश सा मिल जाता है, ब्राउन ब्राउन सा, नीचे वाइट सा, ऐसा कुछ। आगे की दो फ्रंट पावर विंडो ये देख लो आप, ठीक है। और ये आगे का मिरर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के लिए एडजस्टेड नहीं मिलते, यहाँ से आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और ऐसी कुछ इसमें आपको MID मिल जाती है, इसमें 8000 तक मार्किंग है क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है। और ये ट्रिप हो गई, ये कितनी रेंज वगैरह कुछ है वो दिखा देगी। और ये एवरेज 12 की दे रही है पेट्रोल में। इसमें CNG फिटिंग होगी, वो हम आपको दिखा देंगे। नीचे आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक की और पैसेंजर और ड्राइवर सीट की सीट बेल्ट। यहाँ पे आ गया इसका एंड्रॉयड, जो ये हाइपरसोनिक का लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट है ये। काफ़ी अच्छा इसका मतलब आउटपुट है, इसमें आपको म्यूज़िक, अमेजोन प्राइम वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ब्लूटूथ लैग ही नहीं है बिल्कुल, देखो एक सेकंड का भी डिले नहीं है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ आपको इसके मिल जाते हैं AC वेंट्स देख लो कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे आपको हजार लाइट्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे इसका AC है, AC कंट्रोल्स जो सारे आप कर सकते हो, हर गाड़ी में मिलते हैं। मैनुअल AC है, कार के हिसाब से भाई सही फीचर है। और ये रहे इसके कुछ वो, यहाँ पे आप वो रख सकते हो कुछ सामान वगैरह, फ़ोन वगैरह। यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है जो कि है 12 वॉट का, इसको लगा देते हैं फिर से। यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है गियर बॉक्स जो कि 5 गियर का है, एक रिवर्स गियर। यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, कप होल्डर वगैरह, बहुत सारी स्टोरेज है यहाँ पे। यहाँ पे भी बहुत सामान आ जाएगा हैंड ब्रेक के साइड में। इधर की सीट की बात करें तो कार का अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबी सीट्स हैं इसकी। और इसके ये पावर विंडो की बात करें, ये भी तो शीशे थोड़े से ब्लैक हैं। और इसका ग्लव बॉक्स दिखाएं तो ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, पर हाँ स्टोरेज है काफ़ी। तो चलो एक बार आपको इसका बोनट दिखा देते हैं।
तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे भाई, स्टार्ट करेंगे गाड़ी। तो ये है इसका पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का, देख लो यहाँ पे आपको बैटिंग दिख जाएगी। पांच गियर बॉक्स गियर के साथ आता है। यहाँ इसका कैप मिल जाएगी आपको, ये देख लो, यहाँ पे वॉशर के लिए पानी डाल सकते हो। यहाँ पे इंजन कूलेंट वगैरह सब कुछ का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। थोड़ी पीछे से दिखाऊँ तो वॉइस कम है, BS6 वेरियंट है और 2020 रजिस्टर है गाड़ी। ठीक है भाई, गाड़ी बहुत अच्छी है, इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी है। 0 to 100 11 सेकंड में चढ़ जाती है। इसका भी रिव्यू आपको, ड्राइव एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा सा दिखाएंगे इसमें। और वो जो हमने क्रेटा दिखाई थी उसके एलोए वगैरह सब सेम है, देखो इसके एलोए का साइज़ 15 इंच के इसके एलोए हैं, 185/60R15 योकोहामा के इसमें टायर हैं, तो आफ्टर मार्केट हैं सारे। ऐसे इसके आपको एसी वेंट्स दिख जाएंगे ये रे, और यहाँ पे लाइट एडजस्ट कर सकते हो। हेडलाइट से रिलेटेड फंक्शंस आपको इस साइड दिख जाएंगे, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ, अप डाउन, हाई बीम लो बीम। इस साइड आपको वो वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल दिख जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक है, हल्का सा आपको बस प्रेस करना है, वो सब हो जाएगा आगे। और स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग अच्छा है भाई, काफ़ी लाइट सा फील हो रहा है। पेट्रोल गाड़ी का थोड़ा लाइट स्टीयरिंग रहता है इन केस ऑफ डीजल। तो ये इसका रियर व्यू मिरर, यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। इस साइड दिखाएं तो इस साइड भी आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता। आगे की बात करें तो भाई गाड़ी अच्छा खासा सा व्यू दे देती है थोड़ा। ठीक है, मीटर में आपको 220 तक मार्किंग मिल जाती है इसमें। तो चलते हैं इसकी एक छोटी सी राइड लेके आते हैं, आपको इसकी ड्राइव क्वालिटी दिखाते हैं, तो भाई जो हमारी थोड़ी हेल्प करेंगे। चलते हैं भाई, फर्स्ट गियर डाला और एसी ऑन है भाई गाड़ी का। पिकअप की बात करें तो भाई पेट्रोल गाड़ी का जो पिकअप रहता है वो पहले इनिशियल गियर्स में ज़्यादा रहता है, इन केस ऑफ हाईवे वो थोड़ी कम डिले लेती है वो गाड़ी, फोर्थ फिफ्थ में थोड़ी कम, मतलब ज़्यादा देर लगाती है उठने में। तो चलते हैं इसको रोड पे लेके। थर्ड गियर डाल दिया, स्पीड वगैरह इसमें नहीं आती जैसी क्रेटा में हमने आपको दिखाई थी। स्टीयरिंग की बात करें तो लाइट है, पेट्रोल गाड़ी का थोड़ा लाइट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। और थोड़ी एक्सलेट करके देखे गाड़ी तो 1 सेकंड का डिले लेती है इन केस ऑफ डीजल, डीजल गाड़ी थोड़ी जल्दी वो करती है। तो इसमें आपको जो काम आफ्टर मार्केट होगा वो डीजल उसका क्या कहते हैं सीएनजी वगैरह का, वो हम आपको दिखा देंगे, उसकी हम आपको एक अलग वीडियो दिखा देंगे। भाई गाड़ी चलाने में अच्छी है, कोई मतलब ऐसी कमी नहीं लग रही कि हम पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं लैग ले रही है। एवरेज इसकी थोड़ी कम है, एवरेज कम देती है इसलिए इसमें सीएनजी हम वो करेंगे। एवरेज कितने की देती है? 10-12 की एवरेज देती है, ज़्यादा से ज़्यादा और इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देती है। और अभी इसकी थोड़ी वो देखते हैं कटिंग वगैरह और थोड़ी एक्सलेट करके देखेंगे। थोड़ा खाली पैच है, थोड़ा एक्सलेट करके दिखाएंगे। फर्स्ट गियर पे 3 RPM तक आराम से गई थी, अभी भी गई जा रही है अच्छी खासी, मतलब पिकअप दे देती है अच्छा खासा। गाड़ी चलाने में अच्छी है, एसी में चला रहे हैं तो कोई मतलब ऐसी कमी लग नहीं रही कि गाड़ी पिकअप देर से ले रही है। हाँ, इनिशियल गियर्स पे अच्छा पिकअप रहता है पेट्रोल का, और डीजल का रहता है हायर आरपीएम पे, डीजल ज़्यादा खिंचती है। हाईवे वगैरह पे अगर बात करो तो डीजल गाड़ी का टॉर्क भी ज़्यादा निकलता है। और भाई मतलब सही है, जिन भाई की गाड़ी है उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे बाद में, उनसे एक बार पूछेंगे कि भाई। गाड़ी के ओनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप भाई समयपुर से, तो भाई गाड़ी कैसी लगती है आपको बताओ थोड़ा। एक नंबर की है गाड़ी, में कोई कमी नहीं है जब से अभी तक ली है, और कोई भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ओके की रिपोर्ट चल रही है अभी तक। चलो भाई ओके ही रहनी चाहिए वगैरह सब चीज़ ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं। भाई कितनी चला दी गाड़ी?
भाई गाड़ी चला दी है मैंने, 8000 समथिंग चला दी भाई। 2020 वेरिएंट है, BS6। तो भाई ये था भाई का रिव्यू, तो गाड़ी भाई को अच्छी लगी। आप भाई सजेस्ट करोगे लोगों को गाड़ी लो? भाई सजेस्ट बेस्ट क्वालिटी है, और जैसे मारुति से बढ़िया ही है, मारुति से बढ़िया है, ठीक है। तो ओके की रिपोर्ट में गाड़ी है, आँख नीचे कोई भी ले लो।